जो शिक्षा भाग से संबंधित है मैं केवल उस पे अपनी बात रखूंगा, बाकी बातें कल हो चुकी थी। तो दसवीं और बारहवीं की सीबीएसई ने, अभी शायद प्रधानमंत्री जी ने बारहवीं की परीक्षा को स्थगित किया है और दसवीं की परीक्षा को कैंसिल किया है। मेरा सुझाव है कि दसवीं और बारहवीं की एग्जाम्स को अपन स्थगित करें और आठवीं की जो बोर्ड की परीक्षा हम करवा रहे हैं उसको हम कैंसिल करें। तो आठवीं को तो वैसे ही प्रमोट करने का निर्णय लिया जा सकता है और दसवीं और बारहवीं को, क्योंकि बारहवीं तो एक तरीके से अनिवार्य ही होगी, चाहे लेट होगा क्योंकि जेईई और नीट के लिए होता है, तो हो सकता है अगर बारहवीं का वातावरण बने तो दसवीं का भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए भी हमें एक चांस लेना चाहिए स्थगित करके, अभी से कैंसिल नहीं करके हम एक चांस लें कि अगर 10-15 दिन में स्थितियां ठीक होती हैं तो फिर दोनों एग्जाम से एक साथ एक पारी में एक एक में एक या जैसे भी करा करो के हो सकती है। बाकी विद्यालयों को भी अब चूंकि बंद करने में ही फायदा है, सभी जगह आ रहे हैं और पढ़ाई भी तकरीबन पूरी हो गई, एग्जाम्स की तैयारी बच्चे घर पे ही बैठ के कर लेंगे। टीचर्स के लिए एक प्लान बना करके किस प्रकार से इस राष्ट्रीय आपदा में हम लोग कैसे उनका सदुपयोग कर सकते हैं।